हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्रिलिंग बायोलॉजी दिस इज़ अंजली हियर और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेड एल्गी ओके तो स्टार्ट करते हैं अ फ्यू स्पीशीज ऑफ़ रेड एल्गी्सो सर्व एज फूड दे आर प्रोसेस इन लार्ज क्वांटिटीज अभी देखो रेड अलगी की कुछ स्पीशीज जो है वो फूड के रूप में काम आती है और उनको ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस करके यूज़ किया जाता है ओके सेकेंड पॉइंट इज द अगार यूज इन बैक्टेरियोलॉजिकल एंड माइकोलॉजिकल मीडिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी अभी बैक्टेरियोलॉजिकल एंड माइकोलॉजिकल मीडिया में इस्तेमाल होने वाले अगार को रेड एल्गे से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है निकाला जाता है ओके एंड अगार मीन्स अ जिलेटिनस सब्सटेंस Uh, जो इलेक्ट्रोफोरोसिस वगैरह हम करते हैं ना उसमें अगर यूज़ किया जाता है ओके थर्ड पॉइंट इज एन इम्पोर्टेंट जीनस नोन एज पोरफायरा इज यूज एज इम्पोर्टेंट इन्ग्रेडियंट इन सूप एंड अल्सो कुक एज अ फ्लेवरिंग एजेंट विथ मीट इट इज मोस्टली यूज बाय चाइनीज पीपल अभी पोरफ़ायरा करके जो एक जीनस है वो एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट के तौर पर सूप में डाला जाता है और मीट के साथ टेस्ट बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में भी पकाया जाता है और इनका उपयोग जो है वो चाइनीज़ लोग ज़्यादा करते हैं ओके फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल अलगे इज़ कॉन्ड्रस क्रिस्पस विच इज़ कॉमनली नोन एज इरिश मॉस दिस एलगी इज़ यूटिलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फार्माक्यूटिकल इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स दिस एल्गी इज़ यूज एज अ स्टेबलाइजर इन प्रिपेयर फूड सच सचस चॉकलेट मिल्क पुडिंग्स जेली फिश एंड सिमिलर अदर प्रोडक्ट अभी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल अलगी इज कॉन्ड्रस क्रिस्पस आमतौर पर इसे इरिश मॉस भी कहाँ जाता है ये रेड अलगी का उपयोग अलग अलग फार्माक्यूटिकल्स के प्रिपरेशन में किया जाता है और कॉस्मेटिक्स में भी इनका उपयोग किया जाता है ओके okay? इनका उपयोग तैयार फूड में जैसे चॉकलेट मिल्क पुडिंग जेलीफिश और इस प्रकार के दूसरे प्रोडक्ट्स में एज अ स्टेबलाइजर करके इसका उपयोग किया जाता है ओके फिफ्थ पॉइंट इज Another important red algae is rhodimania palmata This is used as a food and also in the preparation of medicine This is commonly known as dulse At the time of famine in Ireland Dulse become a very important food there Okay So rhodimania palmata ये बहुत इम्पॉर्टेंट अलगी है जो कि खाने में और मेडिसिन के प्रिपरेशन में यूज़ होती है ओके इनको कॉमनली डल्स कहा जाता है और जब ईरलैंड में अकाल पड़ा था तब ये अलगी वहाँ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड बन गया था ओके तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन पर प्रेस करो ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके Thank you for watching the video.